out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky. Hi friends, कैसे हैं आप सब? Welcome to my new vlog. एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो अभी हाल ही में मार्च में मेरा प्रोस्थेटिक जो था वो टूट गया था. मतलब पूरा ही टूटा था, बट जो पाइलन होता है, जो प्रोस्थेटिक में एक पार्ट होता है पाइलन रॉड जैसा, वो टूट गया था. तो फिर प्रॉब्लम हुई थी, वो हुई थी कि मेरी शादी थी 14 अप्रैल को और 20 मार्च को मेरा प्रोस्थेटिक जो है वो टूट गया था. तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था उस समय. तो मैं दौड़ा दौड़ा पुणे पहुँचा आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में. वेल टेक्निकली दौड़ा दौड़ा नहीं, बट स्टिल. तो मैं वहाँ गया, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी एंड आई नीड टू रिपेयर माई प्रोस्थेटिक एज सून एज पॉसिबल. तो उन्होंने मेरा प्रोस्थेटिक ठीक करा एंड उसके बाद मैं वापस जो है, थैंक गॉड कि मैं टाइम से पहुँचा अपनी शादी में. एंड शादी जो थी वो बहुत अच्छे से हुई. मैंने भी डाली भी एक दो वीडियो शादी की भी. अभी आपने अंडमान का ब्लॉग भी देखा होगा, अगर आपने देखी है मेरी वीडियोज़. तो अभी मैंने अंडमान के डे टू की वीडियो डाली है, डे टू का ब्लॉग डाला है मैंने. अभी डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, 3 दिन और हैं, नए एक्सपीरियंस मिले. एंड ऑब्वियसली आफ्टर एम्पुटेशन हर नॉर्मल चीज़ नहीं लगती है. तो खैर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. दूसरी चीज़, मेरा ये व्लॉग बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि काफ़ी लोग जो हैं मेरे से रिपीटेडली सेम चीज़ें पूछते हैं, चाहे वो कमेंट्स में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो कैसे भी हो, मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं और बार बार वही चीज़ पूछते हैं. और मैं कहता शायद ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक ही वीडियो देखी मेरी एंड वो उससे फिर सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो मेन क्वेश्चन उनके ये होते हैं कि आपका लेग कौन सा है, आपका जॉइंट कौन सा है, आपने कहाँ से बनवाया, कितने का बना, एंड आपका जॉइंट जो है वो मैकेनिकल है या कौन सा है. तो हमेशा की तरह मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरा जो जॉइंट है वो ऑसर कंपनी का है. तो ऑसर जो है वो आइसलैंड की कंपनी है. एंड वो जो जॉइंट है मेरा ऑसर का, वो मैकेनिकल नहीं है, वो न्यूमैटिक है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड न्यूमैटिक जॉइंट. एंड एक हाइड्रोलिक भी होता है. तो हाइड्रोलिक नहीं है मेरा, मेरा मेनली न्यूमैटिक जॉइंट है ऑसर कंपनी का. एंड जो मेरा फुट है वो ब्रीज कंपनी का है, जो कि मेड इन इंडिया है. तो ये दो चीज़ें तो होगी. प्लस जो मैंने बनवाया है वो है, मैंने ये बनवाया अपना प्रोस्थेटिक इंडियन आर्मी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे से. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से सिर्फ इंडियन आर्मी के डिपेंडेंट्स या फिर पर्सन, आर्मी पर्सन जो है वो बना सकते हैं अपना प्रोस्थेटिक. कोई भी जा सकता है वहाँ पे, वो सिविल के लिए भी है एंड आर्मी पर्सन के लिए भी है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आर्मी पर्सन के लिए वो है या फिर उनके डिपेंडेंट्स के लिए. तो आप कोई भी जा सकते हैं वहाँ पर अपना प्रोस्थेटिक बनवाने. एंड एक और चीज़, मैंने जो लोगों से पूछा, काफ़ी लोग जिन्हें मैं जानता हूँ जो प्रोस्थेटिक यूज़ करते हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, जो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे है, ALC पुणे, वो काफ़ी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है, वो भी बजट में. तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप जा सकते हैं फॉर अ बेटर प्रोस्थेटिक एट ALC पुणे. बाकी बहुत सारी NGOs भी हैं जो कि फ्री में प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करवाते हैं. जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थोड़े महंगे प्रोस्थेटिक, तो वो NGO से भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे जीवन आशा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कराया जाता है. बट वही है कि वहाँ दिस लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट, और बहुत मुश्किल से नंबर आते हैं वहाँ पर. दूसरा जो मेन क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं वो ये है कि मेरे को सेंसेशन होती है कि नहीं पैर में. अब सेंसेशन से मुझे एक ही चीज़ याद आती है, तो क्योंकि मुझे याद है मेरा एम्पुटेशन हुआ था एंड मैं लेटा हुआ था ICU में, तो मुझे भी ना ऐसी सेंसेशन फील हुई. तो पहले मुझे वो नॉर्मल लगा क्योंकि मुझे गुदगुदी सी और थोड़ा दर्द सा हो रहा था. बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेरी जो सेंसेशंस हो रही हैं मुझे वहाँ से हो रही हैं जहाँ पे मेरा पैर है ही नहीं. तो फिर क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा, मैंने गूगल किया. तो जैसे मैंने गूगल किया ना, मुझे एक टर्म आई मेरे सामने स्क्रीन पे, एंड डेट वॉज PLP. तो PLP कहते हैं फैंटम लिम पेन को. एंड फैंटम लिम पेन होता क्या है? फैंटम लिम पेन होता है सेंसेशंस उस बॉडी पार्ट से आना जो बॉडी पार्ट आपके बॉडी में है ही नहीं. वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, मतलब आपका जो बॉडी पार्ट मिसिंग है वो किसी भी रीज़न से हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि किसी का एम्पुटेशन हुआ हो, जैसे मेरा एक्सीडेंट से हुआ था. तो सबके अलग अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं. किसी का ऐसा भी होता है कि कोई बॉडी पार्ट बचपन से होता ही नहीं है, तो उसको भी फैंटम लिम पेन हो सकता है.
अब फैंटम पेन का कारण क्या है, फैंटम पेन होता क्यों है? तो जितना मैंने पढ़ा है और जितनी मुझे चीज़ें पता चली हैं, कुछ कहते हैं कि वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा पैर कहीं, जैसे मेरा पैर है वो घुटने के थोड़ा ऊपर से एम्पुटेशन हुआ है उसका, तो जो पैर का एंड पार्ट होता है हमारा रेजिडुअल लिम का, तो वहाँ पे जो नस जो है वो नर्व्स हमारी फैल जाती हैं, तो उसके कारण से हमें फैंटम लिम पेन होता है। कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन में एक पूरी बॉडी का मैप होता है, और जब उस मैप में से एक बॉडी पार्ट मिस हो जाता है, एक बॉडी पार्ट का मतलब जैसे मेरा ब्रेन है, ठीक है, मेरे ब्रेन में मेरी पूरी बॉडी का मैप है, अब उस मैप में मेरा जो एक पैर है वो मिसिंग है ना, ये मुझे पता है, लेकिन ब्रेन को नहीं पता, ब्रेन अभी भी उस पार्ट को ढूंढ रहा है, और जब उसे उस पार्ट से नेसेसरी सिग्नल्स नहीं मिलते हैं तो फिर हमें फैंटम लिम पेन महसूस होता है। तो वैसे थ्योरीज बहुत सारी हैं, बट मैंने ये दो पढ़ी और मतलब मुझे ये दो फिर भी कन्विंसिंग लगी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। बाकी सारी थ्योरी हैं। बाकी जो फैंटम लिम पेन है वो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था 16th century में बाय फ्रेंच सोल्जर्स। तो उस समय ऐसा लगता था कि जो मतलब जो कोई भी पेशेंट ये चीज़ बताता था कि मेरे को ऐसा पेन हो रहा है, तो उस समय लोग इसको ना बहुत मतलब इसको एक साइकोलॉजिकल पेन कहते थे, मतलब वो सोचते थे कि बंदा ट्रॉमा में है और इसलिए उसे ये चीज़ हो रही है। तो पहले काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को ये माना गया कि वो ये चीज़ है नहीं एक्चुअली में और ये सिर्फ उसको फील हो रही है, बट बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि जितने भी एम्पुटेशन होते हैं उनमें कम से कम 60-80% लोगों को फैंटम लिम पेन होता है। तो अगर आपको भी होता है तो इट इज़ नॉर्मल, एंड अगर उस हद तक होता है कि जिस हद तक आप महसूस कर सकते हैं तो ठीक है, नॉर्मल है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फैंटम लिम पेन को दूर करने के काफ़ी तरीके भी हैं, वो ऐसे शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव दिस काइंड ऑफ सेंसेशंस इन योर रेजिडुअल लिम। तो कभी भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ऐसी सेंसेशंस हो रही हैं, सेंसेशंस ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है, मेरे को तो कभी ऐसा लगता है कि ना इतनी सारी चींटियाँ मेरे पैर पे ऐसे काट रही हैं नीचे से, कभी कभी खुजली होती है, कभी गुदगुदी होती है, तो बहुत चीज़ें होती है, सबको अलग अलग टाइप की सेंसेशन होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपको या तो एंटी डिप्रेसेंट देगा या तो एंटी एपिलेप्टिक्स देगा, तो इसके काफ़ी ये तो होगी मेडिसिन से आपके जो PLP है उसको रिलीफ करने का तरीका, बट काफ़ी थेरेपीज भी हैं जिससे कि आप अपने फैंटम लिम पेन को ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आप उससे रिलीफ पा सकते हैं, जैसे कि एक होती है मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी के बारे में बताने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। तो एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है वो 5 sensory organ से जुड़ा होता है। सबसे पहले आँख, जिससे हम देखते हैं विजन, दूसरा नाक जो कि होती है स्मेल के लिए, तीसरा होता है हमारा टच, चौथा होता है हमारा टेस्ट, और पाँचवा होता है हमारा हेयरिंग। तो इन चीज़ों से हमारा ब्रेन जो है वो जुड़ा होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होती है हमारी आँखें, हमारा विजन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिरर थेरेपी में होता क्या है, अब मिरर थेरेपी क्या होती है, तो एक्चुअली में साइंटिस्टों ने काफ़ी रिसर्च की, एंड रिसर्च में ये चीज़ का पता चला कि जो मिरर थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग योर फैंटम लिम पेन। तो मिरर थेरेपी होती क्या है और मिरर थेरेपी में होता क्या है, तो मिरर थेरेपी में होता क्या है, जो हमारी विजन वाली सेंस है ना, इसका यूज़ होता है ब्रेन को ट्रिक करने में। वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं बताता हूँ अभी। तो मिरर थेरेपी में फिर क्या चीज़ होती है कि ऐसा किया जाता है कि आपको एक जगह बिठाया जाता है, एंड बिठाने के बाद क्या होता है कि आपके आगे एक मिरर रखा जाता है, आप मिरर के आगे अपना वाला पैर रखते हो या फिर वाली चीज़ रखते हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका आर्म का एम्पुटेशन हो जाता है, किसी का पैर का एम्पुटेशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी के हाथ का एम्पुटेशन हुआ है, एक हाथ का, तो उसका दूसरा हाथ सही है अगर, तो क्या करते हैं कि जो दूसरा हाथ है उसको रखते हैं मिरर के सामने, ताकि उस हाथ की रिफ्लेक्शन मिरर पर पड़े। एंड सेम अगर किसी के पैर का एम्पुटेशन हुआ है तो सही वाले पैर को रखते हैं मिरर के जस्ट आगे, ताकि उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में पड़े, एंड जो आपका एम्पुटेशन वाला लेग है, जो आपका रेजिडुअल लिम्ब है, उसको रखते हैं मिरर के पीछे। अब मिरर थेरेपी काम कैसे करती है, तो एक्चुअली में हमारा जो ब्रेन होता है उसमें ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मिरर न्यूरॉन्स कब एक्टिव होते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं ऐसा काम करते हुए जो हम खुद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे आगे कोई चिड़िया उड़ रही है या फिर मेरे आगे कोई आदमी चल रहा है, तो आदमी चल रहा है तो उसे देख के मेरे न्यूरॉन्स जो हैं वो
एक्टिव नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इमेजिन कर रहा हूँ कोई चीज़ जो कि मैं कर नहीं रहा हूँ, बट आई एम इमेजिनिंग दैट कि भाई मैं ऐसा करूँगा, कोई एक्टिविटी इमेजिन कर रहा हूँ, तो उससे मेरे न्यूरॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे मेरे न्यूरॉन्स काम करते हैं, वो सेम चीज़ जब मिरर थेरेपी करते हैं, अपना पैर हम सही वाला रखते हैं वहाँ पे, तो हमें बिल्कुल वैसे ही लगता है कि हमारे दोनों पैर सही हैं। तो जो मिरर थेरेपी है वो काफ़ी इफेक्टिव है आपका फैंटम पेन को कम करने में, क्योंकि जब हम अपना पैर हिलाएंगे सही वाला और मिरर इमेज हमें दिखेगी हिलते हुए दोनों पैरों की, तो हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स है वो ब्रेन को ये सिग्नल देंगे कि जो हमारा लिम्ब है, दोनों लिम्ब है, वो सही है। तो ये चीज़, ये एक्टिविटी, ये थेरेपी अगर हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होती है ये आपका फैंटम लिम्ब पेन को ठीक करने के लिए। मेरे को भी होती है कभी कभी, नहीं होती बिल्कुल भी कभी, अचानक से हो जाती है। तो अब आदत हो गई है, पहले काफ़ी चीज़ें हुई है, पहले काफ़ी दर्द वगैरह हुआ, सेंसेशंस हुई, बट अब नाउ आई एम यूज्ड टू इट, तो इतना कुछ फील नहीं होता। बट हाँ, कभी कभी शॉक सा लगता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक टाइप, बट ठीक है, अब ऐसे कोई ना दवाई की ज़रूरत ना थेरेपी की। बाकी एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो के एंड में कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं ऐसे, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को। एंड मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो मैं सही काम कर रहा हूँ बनाते हुए, एंड आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है मेरी वीडियोज़ देख के, तो मैं आई विल काइंडली रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आप तक पहुँचे। और ना सब्सक्राइब करने का ही ये रिजल्ट है कि लोग मुझसे सेम चीज़ें बार बार पूछते हैं कि आपका पैर का कहाँ से बनवाया, क्या बनाया, जबकि लगभग हर वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है कि मैंने कहाँ से पैर बनवाया, कितने का बनवाया, कौन सी कंपनी का फुट है, कौन सी कंपनी का जॉइंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलें वट एवर आई एम पोस्टिंग। एंड अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक करो, एंड सजेशंस कोई भी देना चाहता है तो प्लीज़ यू आर वेरी मच वेलकम सजेशन देने के लिए। जो भी सजेशन देना चाहता है, कुछ भी आपको लगता है कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ या इस चीज़ में सुधार कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरे में इंप्रूवमेंट हो। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ गलत बोल दी है या फिर मैं गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता किसी को कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। एंड जो भी मैंने चीज़ें बताई, मैं ये नहीं कहता आप वो चीज़ें करो, बट ये है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो ओनली विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। तो मैं बस ये आइडिया देने के लिए ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहता जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है एंड सबकी बॉडी अलग परफॉर्म करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, बाकी डॉक्टर आपको सब चीज़ें बता ही देगा। तो बाकी तब तक वीडियोज़ देखते रहो, अपना ध्यान रखो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।